सेकंड ब्लॉग स्टार्ट हो चुका था। मैं जो है ना बर्तन थे जितने भी झूठे अंदर से उठा के लाई हूँ, यहाँ पे इकट्ठे कर दूंगी, साफ करूंगी इनको, और कभी इधर काम कभी उधर काम लगा ही रहता है घर में कुछ ना कुछ। और लाइट आ रही थी, कैरव ये देखता है वीर या फिर मोगली, और एक कार्टून हो रही है, दो तीन कार्टून देखता है बस, चाहे उसे पूरे दिन खाने पीने को भी ना दो कार्टून में बैठाओ रखो, फिर भी जब लाइट आती है तब देखता है। बीच बीच में मैं बंद भी कर देती हूँ टीवी। और अभी मैं ना करने वाली हूँ रूम की थोड़ी सी डस्टिंग, सुबह को जल्दी जल्दी में झाड़ू पोछा होता है तो डस्टिंग रह जाती है कभी कभार, रोज़ तो नहीं पर बाज दिन छूट जाती है मुझसे, क्योंकि थोड़ा सा जल्दी होता है ना मुझे, उठ के और भी काम होते हैं, फिर ये रहता है कि लाइट आ रही है कपड़े धुल जाए 7 बजे, फिर लाइट चल जाएगी, चाय पानी बनाती हूँ तो काफ़ी टाइम लग जाता है, इसी वजह से कभी कभी डस्टिंग रह जाती है। और अभी मैं अपने घर की पूरी डस्टिंग जो है ना कर रही थी, संदूक पे भी मैंने हल्का सा गीला कपड़ा लगाया, अलमारियों में सारा, मतलब सारे मेरे को साफ़ कर दूंगी मैं। और ये अवनी के जो मोजे हैं ना, मैंने बताया था पिछला ब्लॉग में, वहाँ से उतारे थे, इसके शूज़ में रखे हुए हैं क्योंकि सुबह जब स्कूल जाएगी फिर चाहेंगे। शीशे पर पहले मैं गीला कपड़ा फेर रही हूँ, फिर एक कागज़ फेर लूँगी मैं, वैसे बहुत कम फेरती हूँ, बच्चों ने निशान से कर रखे हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ हाथ लगा दिया, तो ये ऐसे नहीं उतार रहे थे, मैं कोशिश तो बहुत करी, तो फिर मुझे हल्का सा गीला कपड़ा ही लगाना पड़ा। ड्रेसिंग के जो साइड के खाने हैं वो भी अच्छे से साफ़ कर लूँगी। कुल मिला के एक एक अलमारी एक एक चीज़ मैं साफ़ करती हूँ जब मैं डस्टिंग का काम करती हूँ, तो हल्का सा कपड़ा ना गीला कर लेती हूँ, जिससे है ना ये जो जितनी बैठी हुई है सूखा मारते हैं तो धूल उतरती है, हल्के गीले से ही हो जाता है, जो जमी हुई है वो भी निकल जाती है। तो बस अभी इसको पूरे शीशे को अच्छे से साफ़ कर दूँगी मैं इसको, है ना, मैं बता ना कागज़ से पूछूँगी। कुछ लोग बोल रहे हैं मेकअप में अच्छी लगती है, कुछ बोलते हैं मेकअप में अच्छी नहीं लगती, शादी रह करो तो भाई क्या करूँ, कभी मेरा मतलब मुझे अच्छा लगता है मेकअप करना, अपनी अपने शौक़ होते हैं, मेरा शौक़ है मेकअप करना, अच्छा लगता है मुझे, मेरे से ज़्यादा मेरी बेटी को है। ये कमेंट आता है कि सारा मेकअप अवनी करती है, हाँ करती है भाई, पसंद है, मैं मना भी करती रहती हूँ, वो तो रात में शुरू हो जाती है कि मम्मी नहीं मेकअप करना है, ये करना है वो करना है। और अभी मैंने पर्दे का जो डंडा है ना वो साफ़ करा, उसके बाद में जो बिजली का बोर्ड है वो साफ़ करा, गंदा हो रहा था काफ़ी। और अभी मैं ना कपड़े धुले हुए पड़े थे मेज़ पे, आप लोगों को मैंने पिछले ब्लॉग में दिखाया भी था शायद, उन्हीं कपड़ों की मैं तह बना के रख रही हूँ। मैंने बच्चों के कपड़े अलग अलग कर दिए क्योंकि अब सर्दी हो गई है ना, तो जो निकर वगैरह है दिन में सर्दी नहीं है तो पहना देती हूँ कायरव को, वरना पैंट वगैरह इस पर है ना कपड़ों की कमी है बहुत कायरव पे, इसके लिए मुझे कपड़े लेने पड़ेंगे। मैं सोचूंगी सर्दी स्टार्टिंग होने वाली है तो लूँगी, अभी थोड़ा सा हिसाब लगेगा तब, अभी एकदम सारी चीज़ें नहीं होती। प्रेस करने का तो मेरा जब टाइम लगता है, मैं जो पहनने होते हैं उन्हीं पर गैलो गैल प्रेस करी और पहननी है, बच्चों के भी ऐसे होता है अभी पहनाने होंगे प्रेस हो गई, नहीं तो वैसे भी पहन लेते हैं, ज़रूरी नहीं है हम सारे कपड़े प्रेस के ही पहनने, अपना हिसाब के ऊपर बात है, जैसा टाइम लगा वैसे पहन लिए। और अभी ये अवनी और कायरव दोनों है ना खेल लेते, पूरा जी लगा रखा था कि फ़ोन कर करके खेल लेते, यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर मगरमच्छ आ गया, यहाँ पे ये आ गया, यहाँ पे वो आ गया, ये इसको फ़ोन कर रही है पर्स लगा के, वो दौड़ा दौड़ा आता, हाँ हम आ गए हैं अभी ले जाएंगे, पूरा मन लगा रखा था दोनों के दोनों ने। मैं इनकी मस्ती सुन सुन के हंस रही थी, इसमें थोड़ी आपको आवाज़ कम आती इसलिए मैं बता रही हूँ ये चीज़। कपड़ों की तय बना दी, फिर मैं लगा रही हूँ झाड़ू, मेरा डेली का काम है, दिन में को 3-4 बार झाड़ू कहीं नहीं जाती, और तीसरे पैर तो मुझे लगानी ही लगानी है हर हाल में झाड़ू। और अभी मतलब कोई ये नहीं कहता कि सुबह में पोछा लगा होगा, पाँव से चल चल के इस तरह निशान हो जाते हैं, मतलब पूरा घर ऐसा लगता है कि पोछा लगा ही नहीं है, फर्श पे यही हाल होता है। बाहर थोड़े से जाले लगे हुए थे वो भी मैं निकाल रही हूँ, पता बहुत जल्दी करके जाले लगते हैं, मैंने देखा है मेरे किचन में और रूम के दरवाजे पे, मतलब किचन के दरवाजे पे ज़्यादातर ऐसे जाले लगते हैं। और अंदर की डस्टिंग हो ही गई, बाहर थोड़ा सा बरामदे की है, इन इसको कूड़े को इकट्ठा करके उठा लूँगा मैं, जितनी भी पन्नी होती है ना हम इनको जला देते हैं, गोबर की कूड़ी में नहीं डालते क्योंकि फावड़े में पाँ के नीचे आ जाए तो फावड़ा लगने का डर रहता है। ये अवनी की चप्पल यहाँ उठा के रखूँगी, ये वाली मैंने अपने पैरों में डाल ली, दूसरे वाली जो है मुझे धोनी है उनको, इसलिए मैं यहाँ से उठा के ले गई। ये सारा कूड़ा जो है ना अभी इकट्ठा करूँगी, मतलब यहाँ नहीं आगे जाके करूँगी, सारे बरामदे में भी झाड़ू लगाऊँगी। आप अंदर देख रहे हैं वो थैला जो है ना अंदर पड़ा हुआ, वो मेरे ट्राईपोर्ड का है, उसको उठा के रखूँगी मैं, बाजी तफ ऐसा हो जाए कहीं जाना पड़ जाए ट्राईपोर्ड लेके तो है ना आराम से अपना ट्राईपोर्ड उसमें रख के ले जाओ, आसानी हो जाती है, उसके पेंच वगैरह खुल जाते हैं, तो सारा कूड़ा इकट्ठा करती हूँ। मतलब मेरा मन नहीं मानता अगर रूम में फैला रहा है कुछ सामान या गंदा रहा है या अलमारी गंदी हो रही या कूड़ा फैल रहा, मतलब जब तक मैं उसे साफ ना कर दूँ मेरा लेटने को मन नहीं करता। चादर इकट्ठी हो जाती है तो उसको भी सेट करती हूँ। अभी आई हूँ मैं किचन में, रोज़ के नीचे की क्लीनिंग तो हो जाती है, ऊपर के स्लेब की रोज़ नहीं हो पाती, तो कई दिन से सोचते सोचते आज मौका लगा मेरा, ऊपर के स्लेब पे बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी हो रही है उसको साफ़ करूँगी,
और ये कप लगाए हैं, एक एक सामान मैंने यहाँ का हटा के है ना साफ़ करा है, तो इसको अच्छे से साफ करके तब लगाया, ऊपर का स्लिप साफ करा, नीचे डब्बे भी साफ़ करे, उन पर स्लिप है ना, स्लिप पर लिसाई नहीं हो रही तो उन पर रेत मिट्टी वगैरह गिर जाती है, वे साफ़ करे। ये दो साड़ियाँ मैंने अपनी निकाल लिया, काफ़ी टाइम हो गया मैंने इनको बांधा नहीं, ये रखी हुई थी, ये निकाल लिया आज, इनको थोड़ी देर के लिए धूप में डाला था, कंबल भी डाला था मैंने, रखी रखी मैं कहते ना मैक सी हो जाती है तो मुझे अजीब सी मैं करती, मैंने सोचा कि कुछ टाइम के लिए धूप में डाल देती हूँ, धूप तो बस ऐसी निकली है पर जैसी भी है ठीक है। और कायरे बाबू को दिया मैंने बलून फुला के, अभी एक ही तो बन गई, एक ही और रह गई, जहाँ पे मैं बर्तन साफ़ करती हूँ ना वहाँ से लेकर नीचे तक, जहाँ तक मतलब ये बर्तनों का पानी जाता है, मैं सारी जगह को क्लीन करती हूँ अच्छे से पानी से, जैसे चौकी धो देते हैं या फिर मतलब जहाँ पे हम बर्तन साफ़ करते हैं, यहाँ पे मेरा डेली का काम है, मैं अगर दो बार बर्तन साफ़ करूँगी तो दो ही बार यहाँ पे मैं धुलूँगी, मुझे गंदा बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता सच में बताऊँ, थोड़ा सा भी यहाँ ना मतलब अगर कुछ गिर जाए, चाय की पत्ती का थोड़ा बहुत कुछ गिर जाए या मतलब कुछ भी मान लीजिए गंदा हो जाए, अच्छा नहीं लगता, इसको रोज़ साफ़ करती हूँ मैं डेली, जितनी बार मांजूंगी उतनी बार साफ़ करूँगी, एकदम फिर अच्छा लगता है कि जैसे फर्श पे पोछा लगाते बिल्कुल ऐसा हो जाता है। घर की स्थिति, घर ऐसा है, मेरी थोड़ी सी मजबूरी इन सब चीज़ों को लेकर है, और मुझे है ना कमेंट्स भी आ रहे थे कि दीदी आप है ना घर छोड़कर क्यों जा रही हूँ, तो बहुत सारे रीज़न हैं, सब आपको मैं आगे बताऊँगी, ऐसे ही मैंने कोई फ़ैसला नहीं लिया किसी भी बात के लिए। और अभी मैं बच्चों के लिए उतार रही हूँ कचरी, तो तीसरे पैर की चाय मैं बनाऊँगी, कचरी उतार रही हूँ बच्चों के लिए, थोड़ी सी मैंने टिफ़िन में निकाल ली, थोड़ी सी रह रही है, वैसे तो ख़त्म हो गई है, राशन है ना ख़त्म हो रहा है, लाना पड़ेगा, काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अब नहीं रही, देखना पड़ेगा, हिसाब देखूंगी जैसे भी होगा। और अभी भी है ना अवनी की तबीयत भी ठीक नहीं चल रही, एक दिन तो दर्द ठीक रहा, उसका मैं दवाई वगैरह दे रही हूँ और फिर दर्द बता रही है, देखते हैं क्या होगा क्या नहीं हो रहा, मतलब यार परेशानियाँ है ना आई आई जा रही है, नई नई मुसीबतें दस्तक दे रही हैं, पता नहीं कौन सी परीक्षा और होने वाली है मेरी, ये तो भगवान ही जाने, कहते ना कि राम ही जाने, पता नहीं क्या होने वाला है, तो बहुत सारी चीज़ें लाइफ में उतार चढ़ाव चलते हैं, ये बात मैं कल भी बोल रही थी। और अभी मैं बच्चों की फरमाइश पर इनके लिए कचरी भून के दे रही थी, लगी हुई थी, मतलब मुझे एक मिनट का, मैं लगी थी 2 बजे और अभी बज रहे हैं 4:30, मुझे टाइम का भी नहीं पता चला कि 4:30 बज गए, इतना टाइम लग गया काम को ख़त्म करने में। और मैंने थोड़ी सी कचरी उतारी बच्चों को है ना कचरी चारी, मौसम फिर ख़राब हो रहा, 4:30 बजे थे जैसे मैं बता रही हूँ, अभी फ़िलहाल चाय बना रही हूँ, अब फिर खाने की तैयारी करूँगी क्योंकि अभी लाइट आ गया फिर चली गई तो कोई पता नहीं, और मौसम भी ऐसा ही है तो कभी खाना बनाने को अंधेरा हो जाए मेरा सारा ही काम रुक जावे तो मैं सोच रही हूँ कि जल्दी जल्दी कर लेती हूँ। और मैं आप लोगों के साथ में ना जो मैं बोल रही थी कि मैं घर लूँगी, घर देखने वाली हूँ, तो वो मैंने देख लिया है, उसकी मैं वीडियो शूट करके लाई हूँ, आप लोगों के साथ में वीडियो में मैं शेयर करूँगी, दिखाऊँगी आपको कहाँ पर है कैसा है, मतलब कहाँ कहाँ देख रही हूँ ये तो नहीं मैं अभी बता सकती, पर जहाँ भी देखा है वो सारी वीडियो आप लोगों के साथ में मैं शेयर करूँगी, कैसा लगेगा आप लोग मुझे कमेंट करके बताना। फिलहाल मैं चाय बना लूँ फिर मिलते हैं। आप लोगों से कह रही थी ना मैं मकान लेने वाली हूँ और कैसा है कहाँ है सब आप लोगों को दिखाऊंगी, तो अभी फ़िलहाल आप लोगों को दिखाती हूँ मैं, पीछे 2 कमरे हैं ये रे, अभी यहाँ से आप लोगों को दिखा लूँ फिर बैक कैमरे से दिखाती हूँ, साइड में एक किचन है और इससे बाहर ये इधर की साइड दिखाती हूँ, यहाँ पे मतलब एक दरवाज़ा यहाँ पे, ये बाहर से लॉक करने के लिए लगा हुआ है, खाटी पड़ी हुई है, तो बैक कैमरे से सारा कुछ दिखाऊंगी। यहाँ पे बाथरूम है, इधर ये बाथरूम बना हुआ है, यहाँ पे खाट भी है, कायरा वो बता देगा आपको, मैं रूम दिखाती हूँ बैक कैमरे से। एक कमरे में यहाँ पे है ना ये किचन छोटा सा, अंदर यहीं पे बना हुआ है ठीक है, ये अलमारी है,
एक छोटा सा रूम है, ये ज़्यादा बड़ा नहीं है, आप लोग देख सकते हो, तो बहुत छोटा सा है, जॉइंट है किचन और रूम दोनों चीज। एक रूम ये है, ये आप देख सकते हो काफ़ी बड़ा है। इसका जो किचन है वो यहाँ पर है, ये इसका किचन है, ये इसका किचन है। यहाँ पे एक स्टडी रूम है, जस्ट एकदम यहीं पे एक दरवाज़ा यहाँ है। तो चलिए छत पे चलते हैं, छत का पोर्शन देखते हैं कैसा है। अभी मैं उठा के रख रही हूँ कंबल, जी हाँ, बाहर रखा हुआ था, काफ़ी अंधेरा हो गया, बीच में मैं कहीं चली गई थी और इस वजह से मुझे लेट हो गया काम को, कायरव सो रहा है, तो मौसम आज बदल रहा है और बारिश भी हो रही है, मैं सोची हूँ इसको कंबल उड़ा दूँ, पर काम में इतना लेट हो रहा था, बहुत ज़्यादा, चारपाई अंदर की साइड खींची, बर्तन साफ़ करने हैं, सब्जी छोक के आटा बनाया, बीच में कुछ सामान लेने के लिए मैं यहीं गाँव के पार्लर में चली गई थी। पार्लर में जाने से पहले मैं अवनी को डॉक्टर के लेके गई थी, इसको दर्द हो गया था, तो डॉक्टर ने बोला था जब इसको दर्द हो तभी लेके आना। फिर इसको लेकर गई मैं 5 बजे, फिर वहाँ से आके मैं पार्लर गई, फिर अभी आके मैंने ना सब्जी छोकी है, आटा बनाया, अब रोटी बनाऊँगी, मतलब कुल मिला के मैं पूरा दिन मेरा आज ऐसे ही निकल गया, आराम नहीं मिला बिल्कुल भी। अचानक से बेटी की तबीयत बिगड़ गई, एकदम से रोई बहुत तेज़, मम्मी दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है, फिर मुझे एकदम लेके भागना पड़ा, बताओ आधी रात ऐसी दिक्कत हो जाए तो कहाँ लेके जाऊँ, आधी टेंशन तो मुझे अपने बच्चों की है। और कितना अच्छा चांद निकला हुआ है, रात का समय, ब्लॉग का यही एंड करती हूँ, आप बताओ फिर मेरी बात कहाँ गलत है, घर को लेकर कौन सी चीज़ मैं गलत सोच रही हूँ। चलिए फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।